गाइज न्यू अपडेट के बाद जब आप 31 तारीख को जब आप फ्री फायर को अपडेट कर लोगे, जब अपडेट करने के बाद आप गेम अगर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको दो यहाँ पर ग्लोबल देखने को यहाँ पर मिलता होगा, ठीक है। आपका कस्टम एचडी के हिसाब से आपका कहीं भी सेटिंग होगा, लेकिन आपको दो देखने को मिलता होगा। अगर आप लोग इसे एक करना चाहते हो, जैसे आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये गाइज कौन सी है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। गाइज अपडेट के बाद अगर आप सबको पता नहीं है, अब गाइज ग्लोबल आपको यहाँ पर गेम में आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा, जैसे लूट में देखने को मिलता है। अब आपको पता है मशीन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ग्लू मेकर। अगर आप बैकपैक पर नीचे क्लिक करोगे, आपको जहां पर भी बैकपैक है तो आपको एक नया डिवाइस देखने को मिलेगा, ये वाला ही आपको ग्लू देगा। पहले क्या होता था कि सबके पास ज्यादा ज्यादा ग्लू हो जाता था और किसी के पास ग्लू नहीं रहता था, इसी वजह से ग्लू मेकर को यहां पर निकाला गया है। अगर आपको पता नहीं है कि ग्लू मेकर को कैसे यूज करते हैं, तो ब्रो मैंने सारा OB40 अपडेट पर जो भी चेंजेस हुआ है उसका प्लेलिस्ट है गाइस, प्लेलिस्ट पर जाकर चेक करो, या आपको मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा, ठीक है, प्लेलिस्ट का। अब थोड़ा सबको मैं समझा देता हूं, अगर आपको यहां पर दो अगर आपको ग्लोबल देखने को मिलता होगा, आप इसे एक कैसे कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। सीधा गाइस आपको ऊपर सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखो, यहां पर आपको आ जाना है, ठीक है, यहां पर थ्रो वॉल पर आप जाना है। आ जाने के बाद देखो, आपको यहां पर ग्रेनेड जो सोल्ड है ना, आपको यहां पर क्या कर देना है, डबल कर देना है। क्या कर देना है, डबल कर देना है। डबल करने के बाद ये दोनों को आपको ऑफ कर देना है। जिस तरह ये दोनों ऑफ है ना, इसी तरह आपको ऑफ रहने देना है। अगर आपका ग्लोबल भी लगता है ना ऑटोमेटिक, तो आप मतलब इसे ऑफ कर देना है। अगर आपका ऑटोमेटिक ग्लोबल लगता है तो इसी वजह से लगता है, अगर ये ऑन रहता है तो ये ऑटोमेटिक लगता है, अगर आपका ऑन नहीं है तो इसे ऑफ ही कर देना है, ठीक है। अगर आप ऑटोमेटिक लगाना चाहते हो, जैसे मैं मान लेता हूं कि अभी मैं यहां पर से आता हूं, जैसे मैं यहां पर से ऑन कर देता हूं ये ग्लोबल थ्रो को, तो अगर मैं यहां पर से ग्लोबल लूंगा ना हाथ में, देखो ये ऑटोमेटिक ग्लोबल लग जाएगा। अगर आप इस तरह ऑटोमेटिक नहीं लगाना चाहते हो, ठीक है, अपने से ही लगाना चाहते हो, तो आपको इसे ऑफ कर देना है, जिसके वजह से अगर आप ग्लोबल लोगे ना तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा कि यहां पर नहीं लगेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि मंडे भाई, चलो आपने यहां पर बता दिया कि इसे आपको ड्यू सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन ये दोनों को आपको ऑफ सिलेक्ट कर लेना है। ये दोनों जब आप ऑफ कर दोगे ना, आप कुछ भी सेटिंग नहीं करना है, थोड़ा आपको कस्टम एचडी में सेटिंग करना है। मैं बताऊंगा क्या करूंगा कस्टम एचडी में सेटिंग, ठीक है। तो अब मैं यहां पर से एग्जिस्ट हो जाता हूं। एग्जिस्ट होने के बाद अब देखो, यहां पर देखो ग्लोबल हट गया। तो यहां पर आप लोग को कसन होगा कि मंडे भाई, मेरा यहां पर मतलब ग्लोबल वाला बटन नहीं है, मैं यहां पर यूज करता हूं, तो मैं कैसे करूंगा। आप पहले जहां पर ग्रेनेड को यूज करते थे, ठीक है, मतलब पहले जहां पर आप ग्लोबल को यूज करते थे, आपको अब कस्टमाइज मतलब सेटिंग पर ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद नीचे कस्टम एचडी पर क्लिक करना है। जैसे मैं मान लेता हूं आप ग्लोबल को यहां पर यूज करते थे, ठीक है, या आप यहां पर कहां पर भी आप पहले मतलब ग्लोबल को यूज करते थे ना, ये वाला अब आपको यहां पर ला देना है। जैसे मैं मान लेता हूं कि आप यहां पर यूज करते हो, तो चलो मैं यहां पर यूज करता हूं, तो मैं यहां पर ला देता हूं, ठीक है। आप जहां पर यूज करते हो उसके हिसाब से आप जहां पर सेटल कर लेना। मैं यहां पर यूज किया, यहां पर मैंने यूज क्यों किया, तो आपको जैसे मैं मान लेता हूं आपका ये वाला इसके जगह बटन होगा। जैसे आप ग्रेनेड मतलब जहां पर भी आप ग्लोबल यूज करते होगा ना, तो ये वाला बटन होगा वहां पर, ठीक है, यहां पर आपका ये वाला बटन होगा, ऐसा होगा, ठीक है। उसे आपको हटा के वहां पर जो ग्लोबल वाला है उसको वहां पर से सेट कर देना है, एंड ऊपर से यहां पर आपको क्लिक करके सेव कर लेना है। तो आपका जहां पर ग्लोबल जहां पर आपका यूज होने वाला रहेगा वहां पर होगा, एंड आप लोग यहां पर सब लगा सकते हो। आप बोलोगे मंडे भाई तब मेरा ग्रेनेड तो यहां पर आ गया, अब मैं ग्रेनेड को फिर कैसे यूज करूंगा। गाइस देखो, ये अब नया आपको ड्यूल यहां पर ड्यू आपको सेक्शन करना जरूरी है। उससे क्या होगा, अगर आप लोग यहां पर गेम प्ले करोगे ना, पहले क्या होता था कि आप लोग मतलब इसी में एक साथ रहता था, मतलब अभी भी आप एक साथ कर सकते हो, लेकिन यहां पर आपको दो चीज आपको दो मतलब यहां पर ग्लोबल दिखाने में दिक्कत हो जाएगा, फिर आपका यहां पर भी ग्लोबल शो होने लगेगा। इसी वजह आपको इस तरह अलग कर लेना है। अलग करने से क्या होगा कि अगर आपका इसमें मतलब जैसे आपका खाली इसमें ग्लोबल रहेगा तो आपको ग्लोबल लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ग्रेनेड नहीं आएगी, तो इसलिए आपको सेक्शन यहां पर चेंज कर लेना है। और ये जो आपका ग्रेनेड वाला है ना, पर आपको यहां पर क्लिक करना है सेटिंग पर ऊपर। अगर आप सब यहां पर क्लिक करोगे, कस्टम एचडी पर यहां पर क्लिक करना है, और ये ग्रेनेड वाला आपको इसके ग्लोबल के नीचे आपको सेट कर लेना है, या आपको कहीं सेट कर लेना है, थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आप लोग ग्लोबल का भी आराम से यहां पर से बगल में एक मतलब ये ग्लोबल वाला रहेगा, ये ग्लोबल वाला पे ऐसे क्लिक करना है, एंड आप लोग यहां पर से ग्लोबल वाला यहां पर आप लोग ग्रेनेड इसे आपका माइंड है कुछ भी है तो आप अलग से यहां पर यूज कर सकते हो, एंड ग्लोबल तो यहां पर जहां पर आपका पहले सेट था वहां पर आपको कर ही लेना है कस्टम एचडी से। मैंने आपको जिस तरह यहां पर समझाया, आई होप कि अब आप लोग समझ गए होगे कि आप लोग सिंगल यहां पर ग्लोबल कैसे कर सकते हो न्यू अपडेट के बाद OB40 मतलब समझ रहे हो ना, OB40 अपडेट के बाद आप लोग कैसे यहां पर से कस्टम एचडी कर सकते हो। और कस्टम एचडी में थोड़ी यहां पर चेंजेस मैंने बता दिया, आपको ये दोनों सॉल्यूशन बता दिया, एंड आपको वहां पर क्या सेटिंग करके रखना है। सेटिंग में आपको मैं समझा देता हूं कि आपको यहां पर अगर आप सब यहां पर नहीं देखे हो तो यहां पर आपको ये सेटिंग करने के बाद आपको कस्टम एचडी में थोड़ी छेड़छाड़ करना है। यहां पर आपको मैंने क्या समझाया था, यहां पर देखो
आपको कंट्रोल सेटिंग पर आना है, कंट्रोल सेटिंग पर आपको यहाँ पर आना है एंड आपको ये दोनों को ऑफ कर देना है। इसे आपको यहाँ पर से डबल कर लेना है और कस्टमाइज्ड में जाना है थोड़ा यहाँ पर, जहाँ पर आपका पहले था जहाँ पर ग्रेनेड वाला सेक्शन, वहाँ पर ग्लोबल वाला कर देना है और ग्रेनेड वाला थोड़ा नीचे कर देना है कि आपको मतलब कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कभी क्या होता है कि ग्लोबल के लगाने के चक्कर में आप मतलब और कुछ लगा देते हो, समझ रहे हो, मतलब ग्रेनेड फेंक देते हो, तो ये सब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि अब आप लोग समझ गए। और आपको अगर पता नहीं कि डबल आप लोग सी एस रैंक में यूज कर सकते हो, इसे भी आपको दोनों एक जगह कर देना है कि दोनों आप लोग आराम से एबिलिटी को एग्जिस्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको OB40 अपडेट पर जो भी चेंजेस के बारे में देखना है तो गाइज आपको मतलब नीचे कमेंट में लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो गाइज बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव था आप लोग के लिए जो सर्च करके आया होगा। इसी पर लाइक करो एंड गाइज सब्सक्राइब करो, इसी तरह आपको यहां पर रियल इंफॉर्मेशन मिलती है एंड ऋषि के साथ गिव अवे भी होता है एंड बहुत कुछ होता है ब्रो इस चैनल पर, ठीक है। अगर आप कुछ दिन सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप खुद जान जाओगे, ठीक है। चलो गाइज मिलता हूं इसी तरह के मजेदार वीडियो में। टाटा, बाय बाय।